इंडियन प्रीमियर लीग में सोमवार को हुए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को मात दी। मैच जब खत्म होने के करीब था उस दौरान एक विवाद भी हुआ। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन अंपायर के फैसलों से खफा दिखे और बार बार शिकायत करने पहुंचे। दरअसल कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी के दौरान करीब 3-4 बार ऐसा हुआ जब अंपायर ने वाइड बॉल करार दी और संजू सैमसन खफा हो गए। संजू ने बार बार अंपायर के फैसले पर हैरानी जताई और अंत में जाकर अंपायर के पास ही सवाल करने पहुंच गए। सबसे ज्यादा बार ऐसा प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में हुआ। 19वें ओवर में जब रिंकू सिंह बैटिंग कर रहे थे उस वक्त ओवर की तीसरी बॉल वाइड करार दी गई। रिंकू सिंह हल्का सा हटकर खेल रहे थे तो प्रसिद्ध कृष्णा ने बॉल उनसे दूर फेंकी जो वाइड दी गई। इसके बाद ओवर की चौथी बॉल भी वाइड दी गई। ये शॉर्ट बॉल थी और रिंकू सिंह ने इसे खेलने की सोची लेकिन अंपायर ने वाइड दी। बॉल बल्ले के पास से निकली थी। ऐसे में संजू सैमसन ने अंपायर के फैसले पर हैरानी जताई और रिव्यू भी ले लिया। हालांकि ये बाद में नॉट आउट निकला।